लौकी के परांठे को हमने ताज़े आम के अचार के साथ और प्लेन दही उसके ऊपर हमने भुना हुआ पिसा जीरा, पुदीना पिसा हुआ, लाल मिर्च छिड़का है उसके ऊपर। और जो ये आम का अचार है ये होममेड है, आप इसका वीडियो लिंक स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही हेल्दी परांठा बनाने जा रहे हैं, लौकी का परांठा। तो चलिए देखते हैं इस परांठे को कैसे बनाया जाता है। ये हमने 1¼ कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 कप कद्दूकस की हुई ये लौकी है, हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, उसको पील कर लिया और चख के देख लिया कि लौकी कड़वी है कि नहीं। अगर आपकी लौकी कड़वी निकले तो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो अब इसमें ये चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून। लौकी का पानी नहीं निकालना, वो भी इसी में रहने देना है, उसी से ही हमने आटा गूंथना है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, ये सेंधा नमक है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा देसी घी तकरीबन 1 टीस्पून। ये डालने से परांठा खस्ता बनता है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही गूंथेंगे क्योंकि लौकी में बहुत सारा पानी होता है, और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पहले इसे ऐसे ही नीड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी का और इस्तेमाल करेंगे। आटे को ज़्यादा नरम नहीं गूंथना, ये देखिए हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में ही हमारा आटा गूंथा गया है। अब इसे अच्छे से मसल लेंगे। आटे को हमने 3-4 मिनट अच्छे से नीड कर लिया है, अब इसे एक बोल में डाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटे को रखे 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसके परांठे बनाने शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, एक पेड़ा लेंगे, पेड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसे गोल करेंगे, फिर से इस पे सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। इसको थोड़ा मोटा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना। अब इसमें घी लगाएंगे, थोड़ा अंदर घी लगाने से परांठा खस्ता बनता है, आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब तरफ ऐसे घी लगा देंगे और इसे एक तरफ ऐसे मोड़ेंगे और दूसरी तरफ ऐसे, फिर ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे। सूखा आटा लगा के इसको स्क्वायर बेल लेंगे। बीच बीच में सूखा आटा लगाते रहेंगे अगर जरूरत पड़े तो। तवे को गरम करेंगे, तवा गरम हो चुका है, गैस को हमने लो मीडियम के बीच में रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब तवे पे परांठा डालेंगे और 15 सेकेंड तक साइड को पकने देंगे, फिर इसे पलटी करेंगे। अब इसकी साइड पलटी करेंगे और दूसरी तरफ भी इसे थोड़ा पकने देंगे। गैस को अब मीडियम पे कर देंगे, दूसरी साइड को भी हमने 15-20 सेकेंड सेका है, फिर साइड पलटी करेंगे और ऊपर घी लगाएंगे। घी भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कम या ज़्यादा। साइड पलटी करके दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे और दोनों तरफ से साइड पलटी करके गोल्डन ब्राउन इसे सेक लेंगे।
परौंठा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए कितना खस्ता परौंठा बना है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसी तरह दूसरा परौंठा भी बना लेंगे। गैस को सिम पे कर देंगे। दूसरा परौंठा भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी लौकी के परौंठे। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।